सिटी करनाल में तरावड़ी के पास नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया। यह हादसा ट्रक और प्राइवेट बस के बीच टक्कर की वजह से हुआ है। इसमें 17 लोग घायल हो गए हैं, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें सरकारी अस्पताल से कल्पना चावला हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। दरअसल बस में सवार होकर 60 से ज्यादा प्रवासी मजदूर और उनके बच्चे कैथल के ढांड से अपने घर बिहार जा रहे थे। मजदूरों ने 90,000 रुपए में प्राइवेट बस को किराए पर लिया। यह हादसा तब हुआ जब बस तरावड़ी के आसपास पहुंची और हाईवे पर खड़े ट्रक में जा टकराई। बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन से पहले घर जाने में 300 रुपए लगते थे, अब एक सवारी को तकरीबन 1800 रुपए देने पड़ते हैं। आपको बता दें कि यह हादसा नेशनल हाईवे पर रात 1 बजे के आसपास हुआ है। बस में सवार सभी लोगों ने मजदूरी के पैसे बचाकर बस को किराए पर किया था। न्यूज़ डेस्क।